नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेंस, किस पर बढ़ रहे हैं हम लोग? तो देखो टेंस सीखना है, कितने लोगों को सीखना है टेंस? अभी के अभी सीख जाओगे 10 मिनट में, नॉट अ बिग डील। लेकिन टेंस को सीखने के लिए चाहिए 4 नाम याद करने। कितने नाम? 4 नाम। बोलो कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको 4, अपने फिंगर निकालो, सब फिंगर निकाली सभी ने, वेरी गुड। हाँ अब 4 फिंगर में सबसे ये जो छोटी स्मॉल फिंगर है इसको नाम दो सिंपल, इसको नाम दो कॉन्टिन्यूस, इसको नाम दो परफेक्ट, और इसको नाम दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपने ये देखो 4 नाम दिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट दिए आपने 4 नाम। अब इन चारों को जो नाम आपने दिए हैं वो कुछ इस तरीके से आपको रखना है। देखिए यहां पर पहला जो है आपका प्रेजेंट सिंपल, पहला क्या है बोलो? दूसरा, तीसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, नेक्स्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यू गॉट इट? आया समझ में सभी को? देखो आप यहां पर इस चीज को समझना कि क्या आपको दिया गया है। पहला दिया है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा दिया है पास्ट सिंपल, तीसरा दिया है फ्यूचर सिंपल। कोई अगर आपसे बोले कि 12 टेंस के नाम बोल के बताओ, तो आप बोलना कि देखो सबसे पहले 12 टेंस के नाम अगर बोलना है तो 4 फिंगर मतलब 4 टेंस के नाम बोलना है मुझे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 फिंगर के 4 नाम दे दिए हमने। आप चारों फिंगर को 3 इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड करो। आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक होंगे फिंगर में, देखो 3 ब्लॉक है सभी के, किसी के 4 ब्लॉक तो नहीं है, हाँ सबके 3 है। हाँ तो 3 ब्लॉक है मतलब 3 आपको टेंस के नाम देना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट, नाम दो जल्दी फटाफट। हाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दे दिया सभी ने। अब हम लोगों को क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, गेटिंग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई डाउट है? ओके तो अब यहां पर ये पूरे 12 टेंस के नाम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे हम। गेटिंग? कितने लोग पूरे 12 टेंस के नाम बोल सकते हैं? ये आपका सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना? अब यहां पर आपने 3 टेंस, यहां पर आपने 3 टेंस, यहां पर आपने 3 टेंस और यहां पर आपने 3 टेंस। टोटल कितने टेंस बनाए आपने? 12 टेंस। अब आप पूरा अटेंशन यहां पर देखना। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात, सारे के सारे स्टूडेंट मुझे बताओ, ये V1 V5 समझ में आता है क्या है? Yes, इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, मतलब आपकी जो मेन वर्ब है ना भाई, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। आई बात समझ में? जैसे आप कोई सी भी वर्ब को पढ़ोगे तो वो 5 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? जैसे पहली फॉर्म आपने कहा गो, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक जिसमें ING लगाओगे आप। तो आपको याद रखना है कि ये जो टेंस आप पढ़ रहे हो ना प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके साथ ये वाली वर्ब की फॉर्म और ये वाली वर्ब की फॉर्म, है ना? ये तो V1 लगाना और दूसरा क्या लगाना? V5। अच्छा V1 आप लगाओगे I के साथ, U के साथ, V के साथ और D के साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है जिसमें एस और ईएस लगता है, वो सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और नेम। कुछ आया समझ में? इनके साथ अब वर्ब में एस और ईएस लगाओगे। गेटिंग माई पॉइंट्स? रियली? ओके अब इधर आ जाओ फिर से। तो जब आप कहोगे मैं पढ़ाई करता हूं या करती हूं, आई स्टडी, मैं इंग्लिश बोलता हूं,
आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन जब मैं कहूंगा अयांश इंग्लिश बोलता है, अयांश स्पीक्स इंग्लिश, तो अयांश के साथ में एस और यस लगाना है, अयांश स्पीक्स इंग्लिश, अयांश यहां आता है, अयांश कम्स हियर। अच्छा एक सेकंड, अयांश कम हियर होगा कि कम्स हियर होगा? ओके पूरा टेंशन। सबसे पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस टेंस में जो भी काम आप सुबह से शाम तक करते हो, मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको इंग्लिश करना है। मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं खाना पकाता हूं या पकाती हूं, आई कुक फूड। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन जब आप कहोगे मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। आ रही के बात समझ में? आप अगर कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। ये एक अलग सिचुएशन है, गेटिंग? चलो ऐसे ही, मैं क्रिकेट खेलता था या मैंने क्रिकेट खेला, क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई प्लेड क्रिकेट। मैं वहां गया, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। मैं यहां आया, आई केम हियर, क्या बोलोगे? आई केम हियर। मैंने पढ़ाया, टॉट, आई टॉट, टॉट टॉट। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने बोला, कौन सी वर्ब की फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस में? सिंपल पास्ट। पूरे 12 टेंस में से एक ही ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस। दिमाग में फिट कर लो, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैंने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मेरा मेरी टीम मैच जीती, माई टीम वॉन द मैच, माई टीम वॉन द मैच, माई टीम वॉन द मैच। मेरी टीम मैच हार गई, माई टीम लॉस्ट द मैच। लूज मतलब होता है हारना, और लूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लॉस्ट। ध्यान देना आप लोग, देखो अगर आपकी टीम मैच, ये देखो लूज मतलब क्या होता है? हारना, इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी। तो मेरी टीम मैच हार गई, माई टीम लॉस्ट द मैच, और मेरी टीम मैच जीत गई, माई टीम वॉन द मैच। यू गॉट इट? चलो, मेरी टीम मैच जीतेगी, माई टीम विल विन द मैच। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। आपको पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच। आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक। आप बोलते हो, यू स्पीक। आपने बोला, यू स्पोक। आप बोलोगे, यू विल स्पीक। आप बोल रहे हो। नाउ यू कैन सी, यू आर स्पीकिंग। जब भी कोई काम कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आप कोई काम कर रहे थे, यू आर स्पीकिंग, और आप बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग। सो अब आप देख सकते हैं यहां पर, ये तीन अलग अलग सिचुएशंस है आपकी, गेटिंग? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये देखो, रहा हूं जो भी काम आप कर रहे हो। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, गेटिंग? ओके, मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, और मैं मार्केट जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट, और मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश सीखूंगा, I will learn English. मैं इंग्लिश बोलूंगा, I will speak English. और जब आप बोलोगे कि मैं खाना खा चुका हूं,
आई हैव इटन फूड, मतलब परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जिसमें आपने कोई काम पूर्ण कर लिया हो. कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब जो काम अभी निरंतर चल रहा है. आ रही बात समझ में? तो जो काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, और जो काम हो चुका है, जैसे मैंने कहा टेंथ हो गया आपका कंप्लीट, तो आपने कहा मैं टेंथ कंप्लीट कर चुका हूं. आई हैव कंप्लीटेड, बोलो, आई हैव कंप्लीटेड टेंथ क्लास. आई हैव कंप्लीटेड टेंथ क्लास मतलब मैं टेंथ क्लास कंप्लीट कर चुका हूं. कितना आसान है कि नहीं? ऐसे पास्ट में आप बनाओगे, मैं टेंथ क्लास कंप्लीट कर चुका था. I had completed 10th class. और जब आप फ्यूचर में बनाओगे, I will have completed, चुका था और फ्यूचर में चुका होगा. कोई डाउट है? पक्का पक्का? ओके. अब आप देख सकते हैं यहां आपके सामने कितने टेंस लिखे हैं? 9 टेंसेस. सिंपल के 3, कॉन्टिन्यूस के 3 और परफेक्ट के 3. नाउ वी हैव 9 टेंसेस एंड ऑल दीज 9 टेंसेस आर वेरी इजी टू यूज. व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू सिंपली प्रैक्टिस इट बाय मेकिंग मोर एंड मोर सेंटेंसेस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी. वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट. उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट. वह क्रिकेट खेलेगा, He will play cricket. वो क्रिकेट खेल रहा है, He is playing cricket. वो क्रिकेट खेल रहा था, He was playing cricket. वो क्रिकेट खेल रहा होगा, He will be playing cricket. वो क्रिकेट खेल चुका है, He has played cricket. हमारी टीम मैच जीत चुकी है. Our team, हमारी टीम, our team. एक सेकेंड सुनना, हमारी टीम, our team, तुम्हारी टीम, your team, उनकी टीम, their team, उसकी टीम, हिज टीम, हर टीम. लड़की की टीम है तो हर टीम, उसकी है तो लड़की की, तो हिज टीम, उनकी टीम, देयर टीम. तो यहां पर हमारा सेंटेंस है आर टीम, हमारी टीम मैच जीत चुकी है. आर टीम हैज वॉन द मैच. आर टीम हैज वॉन द मैच. हमारी टीम मैच जीत चुकी थी. आर टीम हैड वॉन द मैच. और हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी. आर टीम विल हैव वॉन द मैच. You got it? कितना आसान है? इस तरीके से जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना, तो सारा का सारा कंटेंट दिमाग के अंदर ऐसे फिट होगा कि लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. कितने स्टूडेंट्स को पूरे 9 टेंस अच्छे से प्रिपेयर हो गए? अच्छे से, सच्ची मुच्ची, पक्का? अब लास्ट के जो 3 टेंस है ये भी देख ही लो लगे हाथ, क्योंकि बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको पता है इसमें क्या करना है? ये जो है आपका परफेक्ट टेंस है तो आप इसमें हैज़ेव लगाओगे, साथ में ये कॉन्टिन्यूस भी है तो आप बीन भी लगाओगे, तो हैज़ेव बीन. और वर्ब में क्या लगाओगे? प्लस ऑब्जेक्ट, और आप आगे सिंस और फॉर और टाइम लगाओगे. अरे ये बात समझ में? पक्का पक्का? ऐसे ही पास्ट में आप क्या यूज करोगे? हैड बीन, आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम. कुछ आ रही बात समझ में? ऐसे ही फ्यूचर में विल हैव बीन, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम. आ रही क्या बात समझ में? पक्का पक्का? तो अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या क्या सिचुएशन है और किस तरीके से सिचुएशन वर्क कर रही है. जब आप कहोगे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, क्या बोलोगे? I am teaching. क्या बोलोगे? बोलो. और जब आप कहोगे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching since morning. ठीक है? I have been teaching since morning. मैं सुबह से पढ़ा रहा था. I had been teaching since morning. अब क्वेश्चन उठता है, सर मैं सिंस लगाऊ कि फोर लगाऊ? सही है. सो वी हैव अ सिंपल solution for this problem. You don't need to confuse anymore. Since is used with point of time and for is used with period of time. You got it? जब आप exact time की बात करोगे, जैसे मैंने कहा 2 बजे से, तो since 2 o'clock. जब आप exact year की बात करो, मैंने कहा 2005 से, since 2005. जब आप एग्जैक्ट मंथ की बात करोगे, मैंने कहा जनवरी से,
या अप्रैल से, आ रही बात समझ में, किसी दिन का नाम हो जैसे संडे से, लास्ट नाइट से, है ना। तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, सेंस लगाना। गेटिंग, मैंने कहा 9 बजे से तो सेंस 9 o'clock, इनके सबके साथ सेंस। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर टाइम पीरियड की बात हो, जैसे मैंने कहा सेकंड, सेकंड से बड़ा क्या होता है, मिनट से बड़ा, आर, आर से बड़ा, डे से बड़ा, वीक, वीक से बड़ा, मंथ से बड़ा, ईयर से बड़ा, डिकेड, डिकेड से बड़ा, सेंचुरी। तो आपको सेकंड से लगाकर सेंचुरी तक सबके साथ क्या लगाना है, डिकेड का मतलब होता है दशक, जो 10 साल का एक होता है, और सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, जो 100 साल की एक होती है ना। ओके, जैसे आपने कहा कि मैं 10 सेकंड से, तो 4 10 seconds, 10 मिनट से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 सप्ताह से, 2 महीने से, 3 साल से, 2 decade से, ओके, 2 शताब्दी से, 4 2 century की सेंचुरीज, सेंचुरीज, वाई हट जाएगा, आईएस लगेगा। आई बात समझ में? चलो अब मुझे बताओ समझ में ऐसे भी को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है, तो क्या आप बता पाओगे, क्या आप समझा पाओगे, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे, सच्ची मुच्ची लॉक कर दे, पक्का पक्का। ओके, तो ये था सेंस और ये था फॉर, जो कि लगता है आपके लास्ट वाले टेंस के साथ में, किसके साथ में। अब मुझे आप बताओ कितने स्टूडेंट एक सेंटेंस को पूरे 12 में कॉन्फिडेंटली अच्छे से बना सकते हैं,